Hi guys, you're watching JT Jones. Don't forget to click on the red subscribe button. And by the way, click on the bell icon so that you receive daily notifications. Hi दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगा. विश यू ऑल एवरी वन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. सब खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को और क्या. और हमारे हाथ में आज है Asus Zenfone Max Pro M2 स्मार्टफोन. तो इस स्मार्टफोन का आज अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या है, इसके बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है वगैरह वगैरह. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करे बिना कहीं मत जाना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ. और हम उस वीडियो को शुरू करते हैं. तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं. मेरे सामने बॉक्स है फ्लिपकार्ट की तरफ से. इसे मैंने मंगवाया है फ्लिपकार्ट से और ये दो दिन में आ चुका है मेरे पास. तो इसे यहाँ से ऐसा खोलते हैं और यहाँ से ऐसा खोलते हैं और यहाँ पे एक कट मारते हैं और ये खुल गया कुछ ऐसा. और यहाँ पे बबल रैप है, काफ़ी अच्छी बात है कि बबल रैप है. और यहाँ पे हमें बिल देखने को मिला है. ये क्या, अनबॉक्स दिस आफ्टर यू अनबॉक्स योर फोन. ये कुछ नया है यहाँ पर. रेडी टू मेक दैट फर्स्ट कॉल फ्रॉम योर फोन. अच्छा, मेक इट दैट मच मोर स्पेशल विद गूगल डुओ वीडियो कॉल and see your loved one smile, joy and the surprises too. अच्छा, कुछ Google के लिए promotion card है तो ये भी सही बात है यार, Google के लिए promotion card है. तो इसे हम रखते हैं यहाँ पर और इस bubble wrap को खोलते हैं. bubble wrap को खोलने के लिए मैं वापस अपना knife use करूँगा. bubble wrap को खोलना बहुत satisfying experience होता है और मैंने इसे खोल दिया है. और यहाँ पर हमें बिल देखने को मिला है. इस बार बिल काफ़ी डिफरेंट लोकेशन पर रखा है इन्होंने. इस बार बिल उन्होंने यहाँ पर रखा है तो चलो ठीक है. इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, इस बबल रैप को रखते हैं साइड में और इस नाइफ को भी रखते हैं साइड में. और हम अभी अनबॉक्सिंग करते हैं. यहाँ पर लिखा है Asus Zenfone Max Pro, 4G वोल्टी का सिम्बल है, M2 लिखा है, Zenfone लिखा है. यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M2 लिखा है. यहाँ पर लिखा है Asus Zenfone Max Pro M2, Max Performance, Max Battery, Max Durability. Max Durability इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें Gorilla Glass 6 का प्रोटेक्शन दिया गया है. तभी इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या देखने को मिल जाता है. बॉक्स को कैसा खोलूं मैं. अच्छा, तो कुछ ऐसा खोला हमने. श्रिंक रैप को खोलने का तो अलग ही मज़ा हुई. अगर आप कोई लोग अनबॉक्सिंग करते रहेंगे तो आपको समझ आता होगा कि श्रिंक रैप को खोलने का तो अलग ही मज़ा रहता है. तो चलो बॉक्स हमने खोल दिया है और देखते हैं कि इसे स्लाइड करते हैं. अच्छा, स्लाइड वाली मैकेनिज्म है. तो इसे स्लाइड किया तो यहाँ पे लिखा आया है वी लव फोटोज़. तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही फोर्स कर दिया है कि भाई फोटोग्राफी के लिए अच्छा होने वाला है. तो ये काफ़ी अच्छी बात है. और इस बॉक्स को खोलते हैं और इसे साइड में रखते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है. सबसे पहले आपको सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है. Asus का ब्रांडिंग है यहाँ पर और एक स्माइली फेस बनाया गया है. और यहाँ पर IMEI स्टिकर्स है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल यूजर गाइड. और ये कुछ बिल वगैरह है, मेरे हिसाब से वारंटी इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, अच्छी बात है. और यहाँ पर हमें केस देखने को मिलता है. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमें केस मिला है. इससे पहले जो मैंने Asus का फ़ोन लिया था Asus Zenfone Max M2, उसमें केस देखने को नहीं मिला था. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें हमें केस देखने को मिल रहा है. और केस काफ़ी सही क्वालिटी का है, रियलमी जैसा अच्छा क्वालिटी का नहीं है. रियलमी के केसेस तो काफ़ी हार्ड होते हैं यार और काफ़ी सही होते हैं. ये इतना अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस मेरे को लग रहा है. तो इन सबको रखते हैं साइड में, सबको बंद कर देते हैं. और मेरे को ना हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए होता है तो मैं बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करता हूँ. तो इसे रख दिया हमने साइड में. IMEI स्टिकर्स को मैं भूल गया, इसे वापस अंदर रखते हैं और रखते हैं साइड में. और बॉक्स की तरफ आते हैं. बॉक्स में है हमारा Asus Zenfone Max Pro M2 और इसमें लिखा है मैक्स परफॉर्मेंस, 3 times फास्टर विद 14 nanometer स्नैपड्रैगन 660 AIE, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा मेरे हिसाब से. और यहाँ पे लिखा है मैक्स बैटरी, 2 days नॉन स्टॉप यूज विद 5000 mAh बैटरी, मैक्स ड्यूरेबिलिटी, 2 times बेटर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6. ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है. और सभी में हैश ट्रिक्स डाल रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों. और पीछे कुछ ऐसा लग रहा है, इसे हम खोलते हैं कुछ ऐसा. ओह, और हमने खोल दिया है. अब फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है. बॉक्स को कुछ ऐसा खोलते हैं हम
और बॉक्स में हमें देखने को मिला है यूएसबी टाइप सी, सॉरी यूएसबी माइक्रो यूएसबी केबल, मैंने यूएसबी टाइप सी क्यों बोला, माइक्रो यूएसबी केबल। इस बजट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते यूएसबी टाइप सी को, तो हमें माइक्रो यूएसबी केबल देखने को मिला है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे चार्जर देखने को मिला है जिसका रेटिंग है, रेटिंग मैं पढ़ के बताता हूँ, 5 वोल्ट एट 2 एम्पेयर। तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का हमें चार्जर देखने को मिला है। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आप सभी को, फोकस हो जा भाई, चलो फोकस नहीं हो रहा, इसका मन नहीं आज फोकस करने का। तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। तो अब इसे रखते हैं साइड में और फ़ोन की तरफ आते हैं। फ़ोन बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैं क्या बताऊँ, इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊँ। और अभी इसे हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कैमरा दिया गया, एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, ये एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। फ्लैश है, डुअल टोन एलईडी फ्लैश नहीं है, सिंगल टोन एलईडी फ्लैश ही है। और पीछे की तरफ हमें देखने को मिल जाता है स्पीकर्स यहाँ पे है, काफ़ी छोटी पोर्ट दिया गया है स्पीकर्स के लिए, पर यहाँ पे NXP का 5 मैग्नेट स्पीकर दिया गया। तो यार साउंड क्वालिटी के मामले में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख सकते हैं कि स्पीकर कितना छोटा है। और यहाँ पे माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, हेडफोन जैक है, और ऊपर की तरफ हमें नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, और साइड में हमें मिल जाता है वॉल्यूम रॉकर्स कुछ ऐसा, और पावर बटन कुछ ऐसा, और यहाँ पे हमें मिल जाता है सिम स्लॉट। तो अब क्या करेंगे, हम सिम स्लॉट को खोल के देखते हैं, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, अपने सिम स्लॉट को खोल के देखते हैं कि कैसा स्लॉट है। तो यहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगा सिम इंजेक्शन टूल को, और सिम स्लॉट खोलने की कोशिश करूँगा। ये खुल जा भाई, ये खुल गया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। ट्रिपल सिम स्लॉट का मतलब ये नहीं कि आपको 3 सिम डाल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसमें 1 SD कार्ड और 2 सिम डाल सकते हैं बिना किसी टेंशन का। तो ये काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। तो इसे रखते हैं साइड में, इसे वापस इंसर्ट कर लेते हैं, और फ़ोन कुछ ऐसा है। इसका मैंने फिजिकल ओवरव्यू भी दे दिया हूँ, और मैंने दिखा दिया कि इसका बैक कैसा है। बाकी तो यार मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में बात करूँगा ही, तो आप बेफिक्र रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने अनबॉक्सिंग किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से मेरे को पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मैं जोन्स आप सभी से विदा लेता हूँ।